हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10 चैप्टर 3 साइंस पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। आप क्लास 9 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो आपने मैटर पढ़ा था, उसमें प्योर सब्सटेंसेस, और उसके बाद एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स में आपने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को हम लोग डिवाइड करते थे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। ठीक है, तो ये कुछ रिमाइंडिंग मेमोरीज होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। व्हाट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 9 में ही आपको बता दी गई थी। चलिए देखते हैं इस आज के इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या बताने का प्रयास किया है। इन क्लास 9 वी यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप क्लास 9 में मेटल और नॉन मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ चुके हो। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। आपको सोचना होगा कि भाई हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स का कहाँ कहाँ पर अपनी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। विच प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक यू ऑफ वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो कौन कौन सी कैटेगरीज ऐसी होंगी जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई ये प्रॉपर्टी है ये मेटल्स में है और ये प्रॉपर्टी है ये नॉन मेटल्स में। हाउ आर दोज दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स। कैसे इनके यूज़ पर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप देख पा रहे हैं हम लोग पहले मेटल्स की बात करेंगे। तो द ईजिएस्ट वेज टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज़ बाई कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए तो शुरू करते हैं उनकी कंपेयर करके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फॉर एक्टिविटी 3.1 एंड 3.6 कलेक्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल डेट इज़ ईजिली अवेलेबल। ठीक है, तो ये कुछ मेटल्स के नाम दिए हुए हैं, आपको पता भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सैंपल हम लोगों को ले लेने हैं, आयरन, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के, लीड के, जिंक के, और भी अगर कोई अगर आपके पास और कोई मेटल अवेलेबल है तो उसके भी आप ले सकते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 3.1 की ओर चलते हैं। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपको लेना क्या था, सैंपल आपने ले लिया है आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच एग्जाम्पल। ठीक है, तो जितना अमाउंट में आपने सैंपल लिया है तो वो अपना नोट कर लीजिए। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम। ठीक है, जो उसकी सरफेस होगी आपको क्या करना होगा, उसको रब करना है विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। आपको क्या करना है, एक सैंड पेपर लेना है जो हमने सैंपल लिया हुआ है, उसकी सरफेस को रब करना है और वापस से उसकी अपीयरेंस को देखना है। तो चलिए जो आपको रब करने के बाद क्या देखने को मिलता है तो इस पर बात करते हैं। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव साइनिंग सरफेस। जो भी मेटल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है ये साइनिंग होती है। तो मेटल्स इन प्योर स्टेट, जो भी मेटल्स प्योर स्टेट में होते हैं उनकी सरफेस साइनिंग होती है। द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटलिक लस्चर। तो आपको ये दो बात याद होनी चाहिए कि एक तो प्रॉपर्टी हमको मिल चुकी है मेटल की। अगर हमसे कोई कहता है कि भाई मेटल की प्रॉपर्टी बताइए तो हम पहली प्रॉपर्टी हमको मिल चुकी है, डेट इज़ साइनिंग सरफेस और कॉल्ड मेटलिक लस्चर। अगर हमसे कोई कहता है तो मेटल में मेटलिक लस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होगी। चलिए एक्टिविटी 3.2 की ओर चलते हैं। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। आपको ले लेना है छोटे छोटे पीसेस में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है कि एक नाइफ लेना है और ट्राई करना है उसको कट करने की, जो भी आपने सैंपल्स लिए हैं। ठीक है, चाहे वो आयरन का हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे मैग्नीशियम का हो। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग। और इसके बाद जब आप इसका ट्राई कर लो उसके बाद हमको एक टोंग से सोडियम मेटल को लेना है। ठीक है, और ट्राई करना है उसको भी कट करने का। एंड ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। जब भी हम सोडियम मेटल को हैंडल करेंगे तो बहुत केयर से करना पड़ता है। ड्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ द फिल्टर पेपर। ठीक है, सुखा लीजिए, प्रेसिंग दैम बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की मदद से पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास और वॉच ग्लास पर रखिए। और मतलब आपने सोडियम मेटल लिया, उसको अपने फिल्टर पेपर की मदद से ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के बाद हमने उसे वॉच ग्लास पर रखा और फिर आप नाइफ लेके उसे कट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपने इतनी मेहनत करके क्या पाया। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो भी मेटल्स थे बाकी जैसे आयरन, मैग्नीशियम वगैरह, वो इतने हार्ड थे कि नाइफ से कटने
नहीं कर सकते थे। द हार्डनेस वराइज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स। तो हम देख पा रहे थे कि और जो अपने अपने सोडियम को ट्राई करा कट करने का, तो सोडियम ईजिली कट हो जाता है। तो जिससे हम कह सकते हैं कि जो हार्डनेस होती है मेटल्स में वो डिफरेंट मेटल टू मेटल वेराइज करती है। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 3.3 की ओर। टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, आपको छोटे छोटे पीसेस में ले लेने हैं, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर। तो आपको क्या करना है कि मेटल के ब्लॉक को, ठीक है, हिट करना है विद अ हैमर, हैमर की मदद से, ठीक है, और कई बार हिट करना है 4-5 बार कई बार, तो आप क्या पाएंगे। ठीक है, तो रिपीट विद द अदर मेटल्स और डिफरेंट जो भी आपने मेटल्स लेते हैं उन पर सब पर यही चीज़ ट्राई करनी है। और क्या आप, तो आपको रिकॉर्ड करना है द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स, क्या उसकी जो शेप है मेटल्स की वो चेंज हो रही है। यू विल फाइंड डेट सम मेटल्स कैन बी बीटन इन टू थिन सीट्स। ठीक है, तो जो मेटल्स थे उन्हें जब बीट करा गया तो वो थिन सीट्स में चेंज हो रहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी आपको 3 मिल चुकी हैं, मेटलिक लस्टर, हार्डनेस और मेलेबिलिटी। ठीक है, तो मेलेबिलिटी की अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होती है, तो जब हम किसी मेटल को हिट करेंगे या हैमर से तो वो थिन सीट्स में चेंज हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, डिड यू नो डैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। सिल्वर और गोल्ड होते हैं ये मोस्ट मेलेबल मेटल्स कहलाते हैं और बहुत आसानी से इनकी सीट्स, थिन सीट्स बनाई जा सकती है, मतलब सबसे पतली बनाई जा सकती है। एक्टिविटी 3.44 की ओर चलते हैं। कंसिडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड एट्सेट्रा, विच ऑफ अबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर। तो जो भी ये कुछ एग्जाम्पल्स हमको मेटल्स के रूप में ले लेने हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और लीड में, ठीक है, और ट्राई करना है उनको, और जो भी आप देखते हो वायर जिससे बनाया जा सकता है तो आप उन्हें भी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स एंड कॉल्ड डक्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये डक्टिबिलिटी क्या होती है अगर आपसे पूछा जाए, तो एक मेटल का एक और क्वालिटी है कि मेटल में डक्टिलिटी होती है, मींस जो मेटल होता है उन्हें वायर की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, जो गोल्ड होता है वो मोस्ट डक्टाइल है। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अगर 1 ग्राम गोल्ड है आपके पास तो आप 2 किलोमीटर लेंथ तक का वायर बना सकते हो गोल्ड का। डू यू नो, आपको सरप्राइज नहीं होता कि 2 किलोमीटर तक का वायर आप बना सकते हो। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। ठीक है, तो जो मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी का जो इसमें गुण होता है, कह सकते हैं क्वालिटी होती है, तो वो इसकी शेप को देने में हेल्प करती है। कैन यू नेम सम मेटल्स डेट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, क्या आपको कुछ ऐसे मेटल्स के बारे में पता है जो कुकिंग वेसल्स में यूज़ करते हैं। बहुत एक ईजिली मैं आपको बता दूँ, आप एल्यूमिनियम के बर्तन आप देखते हो, यूटेंसिल्स देखते हो, वो एल्यूमिनियम के भी आप देखने को मिल जाते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स, क्यों उनको वेसल्स के में बनाने में यूज़ किया जाता है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। तो चलिए एक और एक्टिविटी करके देखते हैं जिससे हम जानेंगे कि इसका क्या बेनिफिट होता है। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, आपको ले लेना है, आप यहाँ पर फिगर में देखिएगा, एक एल्यूमिनियम और कॉपर वायर ले लेना है। क्लैम्प दिस वायर ऑन ए स्टैंड, एक स्टैंड पर क्लैम्प कर देना है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लैम्प कर दिया गया है वायर को। फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, वैक्स की मदद से आपको एक पिन लगा देनी है। क्लैम्प आप ये देख पा रहे हो, स्टैंड ये है, क्लैम्प करके वायर को, ये वाला जो ये है ये वायर है। ठीक है, और आपको क्या करना है, बर्नर की मदद से इसको हीट करना है। चलिए आइए, जो आपने हीट करा तो क्या पाया, चलिए देखते हैं। ठीक है, द अबव एक्टिविटी शोज़ डैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जो इसमें होगा क्या, आपको पता क्या करना है, इनके क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। व्हेन यू हीट द वायर विद अ स्प्रिट लैम्प और कैंडल और ए बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प्ड। ठीक है, व्हाट इज़ यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, आप देखेंगे कि अगर हम एक पार्ट में गर्म करेंगे या कह सकते हैं हीट करेंगे वायर को, क्लैम्प के पास से हीट करेंगे, तो ये पिन में जो हमने
पिन को जो हम लोगों ने वैक्स से चिपकाया था, ठीक है, तो वो वैक्स वो मेल्ट हो जाएगा और पिन हमारी सरफेस पर गिर पड़ेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने हीट को, जबकि हमने एक कॉर्नर पर हीट जन डाली है, ठीक है, वायर के, लेकिन उस जो वायर होगा वो पूरे में हीट कंडक्ट या कह सकते हैं ट्रांसफ़र कर देगा। तो हम कह सकते हैं मेटल जो होता है, क्योंकि वायर जो था वो मेटल था, ठीक है, मेटल एक मेटल का बना हुआ था, तो हम कह सकते हैं जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, जो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं हीट के वो सिल्वर और कॉपर होते हैं। लीड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लीड एंड मरकरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग जानेंगे, डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही क्लास, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और कोशिश ये करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर सकें, ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।